आपके पास सैमसंग का F223 मॉडल है तो उसके स्क्रीन खराब हो जाए और उसको स्क्रीन को आपको खुद से लगाना है, मार्केट में अगर आप खरीदते हैं ऑनलाइन कोई भी ये ग्लास व्लास और उसको आप सोचते हैं मैं खुद से लगाऊं, तो ये देखिए फ्रेम है। पहले तो आपको जो आपका डैमेज होगा उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद ये जो साइड कॉर्नर होता है जिसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसका जो साइड कॉर्नर होता है ये इन साइड कॉर्नर को पूरा अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीन मतलब कि किसी जो टूल्स होता है ना चिपटा वाला माइनस वाला, उससे पूरा को खुरुच खुरुच के पूरा फोम निकाल लेंगे जिससे कि पूरा एकदम क्लीन हो जाए, बराबर हो जाए। उसके बाद जो ओरिजिनल पीस होगा, ये देखिए मेरे पास है ओरिजिनल पीस। जब ये ओरिजिनल होगा तो इसकी जो फिटिंग होती है पूरी प्रॉपर होती है, कॉपी वाली थोड़ी सी मोटी होती है, प्रॉपर फिटिंग नहीं आती है, बट ये ओरिजिनल है इसलिए पूरी प्रॉपर फिटिंग आएगी। और इसको कैसे लगाएंगे इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, तो मेरे इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फिट करने के बाद इसको सुखाएंगे उसके बाद इसकी फिटिंग होती है। तुरंत फिटिंग नहीं करते, पहले सुखा लेंगे, सूख जाएगा तब उसके बाद रबड़ निकाल करके तब सारी फिटिंग करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि एकदम इजी वे में कोई दुकानदार आपको नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, चलिए देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये है सामान, इसमें देखिए आपको क्या क्या चाहिए। पहले तो एक पेस्ट चाहिए, ये पेस्ट आपके पास होना चाहिए। 37,000 के नाम से होगा तो ब्लैक कलर का होगा और 8 होगा तो व्हाइट कलर में पेस्ट आता है, ये ब्लैक कलर का है, आप ब्लैक कलर का कोई भी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये रबड़ चाहिए, रबड़ आपके पास जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, प्रॉपर फिटिंग आ जाएगी। उसके बाद ये आपका स्क्रीन है जो कि ओरिजिनल स्क्रीन है, आप देख सकते हैं, मैंने बताया था V06 और V04 दो वर्जन के डिस्प्ले आपको जो है सैमसंग गैलेक्सी F23 में लग जाएगा, F23 मतलब 23। तो अब ये देखिए, ये है फ्रेम, फ्रेम में आप देख लीजिए, मैंने आपको दिखाया था कि सारा जो कॉर्नर है यहाँ पर, आप देखिए सारा कॉर्नर सेटिंग जो होती है वो प्रॉपर फिटिंग की होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इसको साफ नहीं करेंगे दोस्तों तब तक ये प्रॉपर फिटिंग नहीं आएगी। और पूरा झाड़ भी लीजिएगा, नहीं तो पता चला इसके नीचे बीच में डस्ट आ जाएगा तो कहीं पर आपको लगेगा स्पॉट व्हाइट कलर का दब जाएगा, तो ये बहुत क्लीन करना जरूरी होता है। अब यह क्या करना है, आप देखिए, या तो पेस्ट इस पर लगाइए चाहे तो पेस्ट इस फ्रेम पर लगाइए। तो देखिए सबसे बड़ी बात कि कुछ सेटों में साइड में यहाँ पर सेंसर होता है, तो पूरा पेस्ट नहीं लगाना, देख लेना होगा कि यहाँ सेंसर होगा तो पेस्ट वहाँ पे नहीं लगाना होगा। इसमें सेंसर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मुझे कहीं पे भी सेंसर नहीं दिख रहा है, तो फिलहाल हम इसमें लगा देंगे। तो ये पेस्ट है, ये स्क्रीन है, ये पेस्ट है ब्लैक कलर का। चलिए तो हम इसको लगाते हैं, इसको टाइट कर लेते हैं, टाइट करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। देखिए अब क्या करना है, पूरा का पूरा पूरा लगाना है, ये देखिए, देखिए यहाँ पर साइड में इसलिए लगा रहे हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट लगाना है, कहीं पे भी छोड़ना नहीं है, ये दिख रहा है ना, ये देख लीजिए पूरा, ब्लैक कलर वाला जो पेस्ट होता है दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है। इसमें क्या होता है, प्रॉपर फिटिंग हो जाती है, सेट का जल्दी पीस निकलता नहीं है, ये आपका इस तरह से लग जाएगा। अब ये देखिए, ये लग गया, सफाई कर लीजिए थोड़ा सा, अब ये देखिए यहाँ पर लग गया ना दोस्तों, इसको भी ऐसे कर लीजिए, क्योंकि ये देखिए ये जो है ना स्पीकर के पास का हिस्सा है, तो यहाँ पे भी हमने पेस्ट लगा दी जैसे कि स्पीकर के अंदर डस्ट ना जाए। अब ये देखिए यहाँ पे सब लग गया, ओके, अब ये देखिए सारा चीज़ मैं देख रहा हूँ लग गया है, अब कुछ नहीं करना है, इसका सफाई कर लीजिए जैसे अंदर आपको ना रहे कि डस्ट कहीं फंस गया है और आपका स्क्रीन जो है दब रहा है, मोटा मोटा आ रहा है, ठीक है, सफाई करना बहुत ज़रूरी है। सफाई के साथ लगाएंगे तो ही अच्छा आपका फिनिशिंग आएगा, नहीं तो अच्छा फिनिशिंग नहीं आता है, ठीक है। ये भी हो गया है, अब ये हम यहाँ पर अब इसको ऐसे ले लेते हैं, देखिए ये है ना, ये इसके यहाँ जाएगा साइड में, और इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसका एक हिस्सा और है, दो हिस्से में है, दोनों हिस्सा ये चला गया। अब ये देखिए इस तरह से ये फिटिंग हो गई। अब ये देखिए एकदम ओरिजिनल पीस है, इसलिए देखिए ये प्रॉपर साइड, देखिए कर्व है, ओरिजिनल जो होती है ज़्यादातर कर्व पीस होती है, तो ये पूरी देखिए साइड में प्रॉपर फिटिंग आ रही है, ये आपकी फिटिंग आ गई। अब इस तरह से अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, अब ये सारे रबड़ जो है इसको बाइंड कर देना है आपको। अब देखिए कैसे बाइंड करना है, पहले यहाँ पर देख लीजिए ऊपर उबड़ खाबड़ ना हो, नहीं तो उबड़ खाबड़ होगा दोस्तों तो आपका स्क्रीन जो है डैमेज होने का खतरा रहता है। अभी आपका हो गया, अब इस तरह से इसको चाहे तो 3 बार घुमा दीजिए, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन स्क्रीन मंगाते हैं और उनको लगाने नहीं आता है, तो उसके लिए है कि ये आप आसानी से देख लीजिए इस तरह से लगा लेंगे और ये पूरा प्रॉपर फिटिंग आ जाएगा आपका। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इस तरह से लगाना बहुत ज़रूरी है, रबड़ लगाएंगे तो आपका जो है प्रॉपर स्क्रीन फिटिंग हो जाएगी। 2-3 राउंड जितना राउंड मारना है मार लीजिए,
आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना राउंड मारना चाहते हैं। और निकालते वक्त भी रबड़ का ध्यान दीजिएगा, पता चला निकालते वक्त कहीं आप पत्ता स्क्रीन जो निकालते वक्त कहीं आप स्क्रीन का जो पत्ता है डैमेज मत कर दीजिए। तो ये आपका जो मैं लगा रहा हूँ, और इसको ऊपर से भी लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ से भी टाइट कर दीजिए, जिससे कि आपका ये सामने से भी स्क्रीन अच्छी क्वालिटी में फिटिंग हो जाए। पत्ते को खींच के लगाइएगा जो भी है, और जितना ज़्यादा टाइट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं चारों तरफ लगा रहा हूँ, कहीं से भी गैप नहीं देना है। ये देखिए, उसके बाद जब ये फिटिंग हो जाएगी, तो जब हम लोग पूरा मोबाइल जब फिट करते हैं तो उस वक्त हम लोग लगा देते हैं। रबड़ कुछ कुछ टूट भी जाता है दोस्तों, क्योंकि लगाते निकालते पुराना हो जाता है ना, तो टूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिलहाल आराम से निकाली लगाइए। अब ये देखिए यहाँ पर हो गया ना फिटिंग, अब ये देखिए ये पूरा का पूरा प्रॉपर फिटिंग हो गया, कहीं से आपको गैप नहीं दिखेगा, जैसे एकदम कंपनी फिटिंग आई थी पूरी की पूरी कंप्लीट, ये देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए फर्मा का एंड टैग सॉल्यूशन। तो देखिए सर आपका ये जो पूरा फिट हो गया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी F23 है, F23 मॉडल है, और ये प्रॉपर इस तरह से फिटिंग हो गया है। तो देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।